Greetings of the day. I myself Sanjay Mann, team leader fire safety. We all are here to know about the fire safety and disaster codes. ये codes हमारे लिए क्यों important है? ये codes हमारे लिए important है for the safety of our patients, staff and attendants. और ये codes इसलिए भी important है कि NABH and JCI में एक mandatory chapters है कि हर staff इस topic से trained होना चाहिए. उनकी ट्रेनिंग के लिए हम इस चैप्टर्स की स्टार्टिंग करते हैं. क्या है ये इम्पोर्टेंट कोड्स? ये इम्पोर्टेंट कोड्स हैं, सिक्स टाइप के ये कोड्स हैं, जिसके अंदर है पहला कोड कोड ब्लू, देन कोड ब्लैक, देन कोड वायलेट, कोड येलो, कोड पिंक एंड कोड रेड. ये कोड्स क्या हैं? इन कोड्स के बारे में हम जानेंगे. कोड ब्लू जो होता है उसको हम किसी को कार्डिक अरेस्ट आता है उसमें हम कोड ब्लू का इस्तेमाल करते हैं. कहीं पे बॉम्ब की सूचना होती है उसके लिए हम कोड ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं. कहीं पर कोड वायलेंस होता है तो हम वहां पे कोड वायलेट का इस्तेमाल करते हैं. कहीं चाइल्ड एब्डक्शन होता है तो हम वहां पर कोड पिंक का इस्तेमाल करते हैं. फायर होता है तो हम वहां पर कोड रेड का इस्तेमाल करते हैं. कोड येलो जो होता है वो इंटरनल या एक्सटर्नल डिजास्टर के लिए होता है. वो नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है. कोड येलो जब अनाउंस होता है जब किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अधिक मात्रा में पेशेंट्स आते हैं, उसको सिर्फ जो ऑन ड्यूटी इमरजेंसी इंचार्ज होगा वही कोड येलो अनाउंस करता है, नहीं तो हॉस्पिटल में कोई भी उस कोड को अनाउंस नहीं कर सकता है. जब मान लीजिए नेचुरल यानी कि कहीं पर फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इस तरीके का कहीं होता है, मैनमेड मतलब कहीं फायर हो गया, कोड ब्लैक हो गया या कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता है, अधिक मात्रा में इस तरीके के पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, तब हमारे यहाँ पर जैसे ही आते हैं इमरजेंसी हेड कोड येलो अनाउंस करता है. उसके बाद में जो कोड येलो की टीम है वो अपने अपने एरिया में पहुंच जाती है. कोड येलो के अंदर जब हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पेशेंट्स आता है तो उसके हाथ पे चार तरीके के बैंड बांधे जाते हैं, जिसके अंदर रेड येलो ग्रीन एंड ब्लैक बैंड है. रेड बैंड जिसको बांधा जाएगा यानी कि वो क्रिटिकल पेशेंट है, उसको हम इमरजेंसी में ही रखेंगे. जिसके हाथ पे येलो बैंड बांधा जाएगा उसको हमें एचडीयू ओटीआर फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट करना है. जिसके हाथ पे ग्रीन बैंड बांधा जाएगा यानी उसको छोटी मोटी चोटें उसको डायग्नोस्टिक की आवश्यकता है, उसको हमें मेन एट्रियम एरिया में लेके जाना है. देन कोई आदमी कोई पेशेंट अगर ब्रॉड डेड आता है या आके एक्सपायर होता है तो उस सिचुएशन में हम उस पे ब्लैक बैंड बांधते हैं और उसको मोर्चरी में शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, इसी के तरीके से हम आगे चलते हैं. कोड पिंक में अगर कोई बच्चा खोता है तो इसमें भी मेन रोल सिक्योरिटी का होता है. देन हमारा लास्ट मेन टॉपिक है कोड रेड का. कोड रेड जो है वो फायर के लिए इस्तेमाल में आता है. हर एक कोड का एक ही इमरजेंसी नंबर है, दैट इज 555. 555 जो है वो कॉल सेंटर में जाता है और कॉल सेंटर वाले को जो कोड आप बताओगे वो उस टीम को अलर्ट कर देते हैं. कोड्स में पहुंचने का टाइम टीम का 90 सेकंड्स का है, सिर्फ कोड येलो में पहुंचने का टाइम जो है वो 120 सेकंड्स का है. देन चलते हैं हम कि कोड रेड क्या होता है. मेन चलते हैं कि कोड रेड में हमें क्या करना है. कोड रेड जो होता है वो फायर के लिए इस्तेमाल होता है. फायर जो होता है वो तीन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज हीट ऑक्सीजन एंड फ्यूल. जब ये तीनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें जो चेन रिएक्शन होता रहता है उसको हम बोलते हैं फायर. फायर वाले क्या काम करते हैं? फायर वाले इन्हीं तीनों बेसिक फंडाज में से एक की सप्लाई को बंद कर देते हैं. हम जब हीट की सप्लाई को बंद करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कूलिंग प्रोसेस. जब हम ऑक्सीजन की सप्लाई काटते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्मूथनिंग मेथड. जब हम फ्यूल की सप्लाई काटते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टारवेशन प्रोसेस. हम देखते हैं किस टाइप का फायर है, कितना बड़ा फायर है, कौन सी टेक्निक यूज करके फायर को जल्दी एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद चलते हैं फायर कितने टाइप्स के होते हैं. फायर जो होते हैं वो काफी टाइप्स के होते हैं. इसको देखते हुए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसने फायर को कैटेगराइज कर दिया कुछ पार्ट्स के अंदर, ताकि फायर वालों को आसानी हो सके कि किस टाइप का फायर है और कौन सा इक्विपमेंट लेके जाना चाहिए. उसी के अंतर्गत
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फायर को कैटेगराइज किया है फोर पार्ट्स के अंदर, ए बी सी डी। ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर एंड डी क्लास फायर। ए क्लास फायर जो होता है वो जनरल फायर, जिसके अंदर लकड़ी, कपड़ा, पेपर, प्लास्टिक, इस तरीके का कोई फायर होता है। तो बी क्लास फायर होता है लिक्विड फायर, एनी टाइप ऑफ लिक्विड, दैट इज पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, डीजल, पेंट्स, इस तरीके का फायर होता है। तो सी क्लास फायर जो होता है वो गैस फायर, एनी टाइप ऑफ गैस, सीएनजी, एलपीजी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। डी क्लास फायर जो होता है वो मेटल एंड इलेक्ट्रिसिटी फायर, मेटल जिसके अंदर एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, इस तरीके का फायर होता है। इलेक्ट्रिसिटी फायर अगर लाइव है तो वो डी क्लास माना जाता है, जब हम उसकी सप्लाई काट देते हैं तो वो जनरल फायर बन जाता है। यानी जो हम मीडिया ए क्लास पे यूज कर रहे हैं वो हम डी क्लास पे भी यूज कर सकते हैं। ए क्लास पे ज्यादातर हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, बी क्लास का फायर होता है तो उस पर हम फोम का इस्तेमाल करते हैं, सी क्लास का फायर होता है तो हम उस पर CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं, डी क्लास का फायर होता है तो हम उस पर DCP इस्तेमाल करते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर। केमिकल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि कोई भी बिल्डिंग जिसकी हाइट 15 मीटर से ज्यादा होती है वो बिल्डिंग हाई राइज होती है, और हर हाई राइज बिल्डिंग में एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड फायर के इक्विपमेंट होने चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहली चीज है फायर हाइड्रेंट सिस्टम। फायर हाइड्रेंट सिस्टम का क्या काम है? इसका काम है कि कहीं भी अगर फायर होता है तो ये हमको एट अ टाइम पानी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद आता है फायर स्प्रिंकलर। फायर स्प्रिंकलर भी अपने आप में एक फायरमैन है, इसको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर जो रेड रिंग की ट्यूब आप देख रहे हो, ये ट्यूब अपने आप ऑटोमेटिकली 68 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिक फायर के ऊपर पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है, बिल्डिंग के अंदर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए। ये तीनों मीडिया जो हैं हमारे फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं। एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के आते हैं? इसमें भी पांच टाइप के आते हैं। वाटर टाइप आता है, फोम टाइप आता है, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप आता है, डीसीपी टाइप आता है। डीसीपी टाइप में भी दो टाइप के आते हैं, डीसीपी टाइप और एबीसी टाइप, ठीक है। उसके बाद एक और है एक्सटिंग्विशर जो मार्केट में हो, जिसको हम बोलते हैं क्लीन एजेंट टाइप। इसमें भी गैस होती है। अपने पास जो ये एक्सटिंग्विशर है उसका नाम है हेलोट्रॉन। हेलोट्रॉन जो है मिनीमैक्स कंपनी का है, ये भी मल्टीपर्पज सिलेंडर है। हम एबीसी टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप और क्लीन एजेंट टाइप को कैसे भी फायर पर यूज कर सकते हैं। ये तीनों फायर एक्सटिंग्विशर मल्टीपर्पज है। इनको इस्तेमाल के लिए हमने एक शॉर्टकट बना रखा है, जिसको हम बोलते हैं पास मेथड। पास मेथड में पी से है सबसे पहले पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को खींचना है, देन एम द टारगेट, जहां फायर हुआ है उसके तरफ एम करना है, उसके बेस पे एम करना है, देन स्क्वीज द हैंडल। एबीसी टाइप और हेलोट्रॉन टाइप में हैंडल होता है, उसके हैंडल को स्क्वीज करना है, और कार्बन डाइऑक्साइड टाइप को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना होता है, देन स्वीप द कंटेंट साइड बाई साइड। जो भी मटेरियल उसके अंदर है उसको आपको फायर के साइड टू साइड फैलाना है। कार्बन डाइऑक्साइड टाइप जो है वो आपको कम से कम 2 फीट की दूरी पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी दोनों को आप 18 फीट की दूरी से यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बिल्डिंग के अंदर और क्या चीजें होनी चाहिए एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड। हर पूरी बिल्डिंग के अंदर जो हमारे फायर हाइड्रेंट्स होते हैं वो एक बॉक्स के अंदर बंद रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं FHC बॉक्स, फायर हाइड्रेंट फायर होज कैबिनेट बॉक्स। ये बॉक्सेस आपको वैसे ओपन में दिखते नहीं है, लेकिन आप बिल्डिंग में जाएंगे तो आपको उस पे बोर्ड लगा दिखेगा जिसपे लिखा रहता है फायर होज कैबिनेट बॉक्स। उसके अंदर हाइड्रेंट सिस्टम भी होता है, होज पाइप भी होता है, ब्रांच पाइप भी होती है, प्लस होज रील का एक ड्रम भी होता है, जिसको आप लोग भी यूज कर सकते हो। देन बिल्डिंग के अंदर डिटेक्शन सिस्टम भी होना एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार है, जिसके अंदर स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर्स प्लस MCP मैनुअल कॉल पॉइंट्स होना बिल्डिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है। स्मोक डिटेक्टर्स का काम क्या है? ये ऑटोमेटिक होते हैं, ये अपने आप कहीं भी फायर होगा तो स्मोक से ऑपरेट हो जाते हैं। MCP जो होते हैं ये मैनुअल कॉल पॉइंट स्टेयर्स, हर फायर एग्जिट स्टेयर्स के राइट या लेफ्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो कांच होता है उसको आपको तोड़ना होता है,
उस कांच को तोड़ने के बाद इसका इंडिकेशन ऑटोमेटिकली फायर के पैनल पे जाता है जो एलजी में बीएमएस रूम के अंदर है। वहां पर जो ऑपरेटर होता है वो देखता है कि फायर का सिग्नल कहां से आया है, उसके बाद वो 555 पे कॉल करके कोड रेड अनाउंस करा देता है और अपनी टीम को लेके वहां पर 90 सेकंड्स में पहुंच जाता है। और क्या है, बिल्डिंग के अंदर स्टेयर्स के अंदर रेडियम टेप होना चाहिए, बिल्डिंग के अंदर फायर एग्जिट साइन बोर्ड होने चाहिए, बिल्डिंग के अंदर रेडियम टेप से एरोज होने चाहिए कि हर पेशेंट को, अटेंडेंट को, स्टाफ को आसानी हो कि हमें किस रास्ते से आगे जाना है, किस रास्ते से एग्जिट है, कहां पर स्टेयर्स है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये सब तो हो गया कि फायर के इक्विपमेंट्स क्या क्या है। अगर एक्चुअल फायर कहीं भी होता है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हमारा सबसे पहला काम फायर बोलता है लाइफ सेफ्टी देन प्रॉपर्टी सेफ्टी। सबसे पहले जिंदगी बचनी चाहिए, उसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बना रखी है जिसको हम बोलते हैं रेस मेथड, RACE, जिसमें आर से मतलब है सबसे पहले उस एरिया से रेस्क्यू होना चाहिए, देन उसके बाद अलार्म रेज करना चाहिए। अलार्म रेज का मतलब है कि सूचना कैसे जाएगी, सूचना दो तरीके से जाएगी, या तो 555 पे कॉल कीजिए, नहीं तो स्टेयर्स के पास जाके MCP का ग्लास ब्रेक कर दीजिए। उसके बाद आपको फायर फाइटिंग करनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास में चार ही फायर के सिलेंडर थे, आपने चारों यूज कर दिए, उसके बाद भी फायर एक्सटिंग्विश नहीं हो पा रहा है, तब आप उस एरिया को सी से कन्फाइन कर दीजिए, उस पर्टिकुलर रूम के डोर्स विंडोज लाइट्स बंद करके बाहर आ जाइए और ई से वो एरिया इवैक्यूएट कर दीजिए, वो जगह खाली छोड़ दीजिए। इवैक्यूएशन हम पहले हॉरिजॉन्टल करते हैं, अगर मान लीजिए थर्ड फ्लोर ओल्ड विंग में फायर है तो हम सभी पेशेंटों को पहले न्यू विंग में शिफ्ट कर देंगे फॉर द टाइम बीइंग, जब तक फायर फाइटिंग करके हम फायर को एक्सटिंग्विश नहीं कर देते। मान लीजिए फायर एक्सटिंग्विश नहीं हो पाया और मेजर होने जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम आपको दोबारा इतला देंगे कि प्लीज इवैक्यूएट द बिल्डिंग, तब आपको वर्टिकल एग्जिट करके पेशेंट को असेंबली एरिया तक पहुंचाना है जो कि फ्लैग होस्टिंग गार्डन है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास सबसे पहले 90 सेकंड्स में कौन आएगा। हमने फायर के लिए दो टाइप की टीम्स हैं, इनिशियल रेस्पॉन्स टीम एंड एमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। सबसे पहले 90 सेकंड्स में आपके पास में IRT आती है जिसके 5 मेंबर्स हैं, जिसमें शिफ्ट सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव है, शिफ्ट इंजीनियर है, सिक्योरिटी मार्शल है, शिफ्ट हाउस की कीपिंग है और फायर सेफ्टी ऑफिसर है। फायर सेफ्टी ऑफिसर की जगह फायरमैन भी आता है। देन अगर फायर नाइट में या हॉलीडे वाले दिन होगा तो हमारे पास मैनेजर ऑन ड्यूटी जो होगा उसके पास भी कॉल जाता है, वो भी हमारे पास 90 सेकंड में पहुंचेगा। अगर वहां पे फायर हमें लगता है कि एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है और स्प्रेड हो रहा है, तो सब तरफ फैल चुका है, तो हमें उस टाइम सेकेंड बैकअप टीम की भी आवश्यकता होगी जो कि हमारे पास इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के हमारे पास में 10 मेंबर्स हैं, ये सभी मेंबर्स अपनी टीम्स को लेके वहां हमारी हेल्प के लिए पहुंचेंगे, जिसके अंदर इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर है, इमरजेंसी टीम लीडर नर्सिंग सुपरवाइजर है, FNB सुपरवाइजर है, देन मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, हेड एडमिनिस्ट्रेशन है, हेड इंजीनियर है, फैसिलिटी मैनेजर है एंड FNB सुपरवाइजर भी वहां पर हमारी हेल्प के लिए आएगा। अगर फायर नाइट में या हॉलीडे वाले दिन होगा तो सेम मैनेजर ऑन ड्यूटी भी हमारे पास 90 सेकंड में वहां पर हमारी हेल्प के लिए पहुंचेगा। यही है हमारी दोनों टीम जो हमारे लिए कोड रेड के टाइम पर हमारी हेल्प करेगी और 90 सेकंड्स में पहुंच के वहां पे फायर को एक्सटिंग्विश करने में हमारी मदद करेगी और टीम और पेशेंट्स को इवैक्यूएट कराएगी।